अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज की हमारी वीडियो है हाउ टू स्टार्ट एसे प्रैक्टिस के बारे में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों की क्यूरी को रिजोल्व करने जा रही हूँ, जो कि फ्रीक्वेंटली आजकल मुझसे पूछी जा रही है कि जी बताया जाए हमें कि हम एसे की प्रैक्टिस किस तरह से स्टार्ट करें। ठीक है, क्या फुल फ्लेज एसे लिखना स्टार्ट कर दें, या हम सिर्फ आउटलाइन से स्टार्ट करें, या हम किस तरह से इसको इनिशिएट करें, इस पूरे प्रोसेस को। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एसे आपने तब लिखना स्टार्ट करना है जब थोड़ी बहुत नॉलेज आपकी गैदर होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है फैक्ट बुक के बारे में, और जब फैक्ट बुक आपकी थोड़ी बहुत भरना शुरू हो जाए आपने फुल फ्लेज एसे की तरफ तब आना है। ठीक है, और वो डेटा कैसे गैदर करना है ये सारा कुछ मैंने आपको फैक्ट बुक वाली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, किस जगह से चीज़ें लेनी है और किस तरह से उसको कैटेगराइज करके लिखना है ये सब कुछ मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। अब सवाल ये है कि फैक्ट बुक आपको किस तरह से मदद देगी ऐसे लिखने में। तो सिंपली अगर फॉर इंस्टेंस आप डेमोक्रेसी पे ऐसे लिखने वाले हैं तो आप सिंपली जाएंगे, अपनी फैक्ट बुक खोलेंगे, वहाँ पे जो कैटेगरी आपने बनाई हुई है डेमोक्रेसी की आप उसको खोलेंगे, वहाँ पे जो भी डेटा आपने लिखा है न्यूज़पेपर से या डिफरेंट न्यूज़ चैनल से या कहीं से भी आपने इंफॉर्मेशन ली एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो जो भी फैक्ट्स और फिगर्स वहाँ पे एग्जांपल्स मौजूद हैं आपने वो उठानी है और अपने एसे में इनकॉर्पोरेट कर देनी है। सही, और बाकी एसे किस तरह से लिखना है वो भी इसी चैनल पे आपको पूरी की पूरी एसे सीरीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, यानी कि पहले आपने फुल फ्लेज लिखना है या कैसे लिखना है, छोटा ऐसे लिखना है या सिर्फ आउटलाइन बनानी है, तो ये सब बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यू कैन सी द स्टेप्स ऑन द स्क्रीन हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस। ठीक है, अब आपने ऐसे किस तरह से करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। सबसे पहला स्टेप, आपने डायरेक्ट ऐसे पे जंप नहीं करना। ठीक है, उससे पहले आपने अपनी राइटिंग प्रोफिशिएंट करनी है, अपना एक्सप्रेशन प्रोफिशिएंट करना है। प्रोफिशिएंट नहीं तो एटलीस्ट मॉडरेट लेवल पे तो हो, क्योंकि अगर आप बिलो एवरेज हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आप एक इम्प्रेसिव ऐसे नहीं लिख सकते। इसलिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेली वन पेजर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वो इस तरह से कि आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हैं, आप कोई भी न्यूज़ में कोई न्यूज़ देखते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपने लफ्ज़ों में उसको लिख लेना है। ठीक है, वन पेजेस आप फिलहाल स्टार्ट में रखें अगर आप बिल्कुल ही इनिशियल लेवल पर हैं तो। अब आप अपने खुद जज हैं, मैं आपके बारे में उस तरह से कमेंट नहीं कर सकती जो आप अपने बारे में खुद कर सकते हैं कमेंट कि आपके इंग्लिश का क्या लेवल है। ठीक है, आप बिलो एवरेज हैं मॉडरेट हैं या प्रोफिशिएंट हैं, क्या लेवल है आपका। ये मैं बात उनके लिए कर रही हूँ जो कि बिलो एवरेज से एवरेज तक हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा जी, तो आपने वन पेजेस से स्टार्ट लेना है और वो किस बारे में होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। और याद रहे कि एडिटोरियल से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एडिटोरियल वर्ड टू वर्ड ऑब्वियसली नहीं लिखना, आपने खुद उसको अपने अल्फाज में ढाल कर उसको रिक्रिएट करना है। सही है, अच्छा उसके बाद आपने उन डेली जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो जो वन पेजेस हैं आपने उनको किसी मेंटोर से चेक करवा लेना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये है कि मैं भी इवेल्यूएशन ऑफ़र कर रही हूँ, अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन में मेरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जैसे भी आपने करना है कांटेक्ट, या मुझे ईमेल कर लें। अगर आपने किसी और मेंटोर से कराना है, अगर आप कहीं जाकर करवा सकते हैं जो कि आपके कोई ट्यूटर आपके कोई करीब हैं, तो ये जाकर करवाना तो बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन है। तो अगर तो आपको ऐसा कोई ट्यूटर मिल जाता है तो वाई नॉट, सही है, लेकिन चेक आपने लाजमी करवाना है, मुझसे करवाएं ना करवाएं आपने लाजमी करवा लेना है, बस किसी से भी करवा लें लेकिन किसी अच्छे मेंटोर से। ठीक है, जो आपकी गलतियां निकाल दे, सिर्फ सर से ना उतारे। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब आपकी वो जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होने लग पड़े उसमें से गलतियाँ, पहले फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा निकलती थी फिर अब एक दो गलतियाँ निकलने लग पड़ी हैं, इम्प्रूवमेंट आई है, आपका मेंटोर जब आपको कहे कि हाँ भाई अब आपका एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, फिर आपने आना है आउटलाइन की तरफ। सही है, अब ये नहीं कि अब आप वन पेजेस पे पूरा साल ही लगा दें, ऐसा भी नहीं है, आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट तभी आएगी जब मेंटोर आपकी जो गलतियां निकालेगा आप उसको अगली
दफ़ा प्रैक्टिस करते हुए वो नहीं रिपीट करेंगे, ठीक है। ओब्वियसली ये ज़रूरी है, अगर आप वही सेम गलतियाँ रिपीट करते रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, सही है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी इम्प्रूव हो गई, आप आ गए आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको इसी चैनल पे बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको ऐसे सीरीज़ मिलेंगी, वहाँ पे इस सारे टॉपिक्स ऐसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आउटलाइन भी आपने चेक करवा ली, मेंटोर ने जब आपको कहा कि हाँ भाई परफेक्ट हो गई है, ठीक है, तब आपने आना है शॉर्ट एसेस की तरफ, सही है। आउटलाइन के साथ एक और चीज़ ऐड कर ली, मे बी मैं शायद यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। आउटलाइन के साथ साथ आपने इंट्रोडक्शन की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और शुरू में आपने क्या करना है, आउटलाइन लिखनी है और साथ में इंट्रोडक्शन लिखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सुना यही है, आम राय यही है मेंटोर्स के दरमियान कि आपका पूरा एसे नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है आउटलाइन और आपकी जो है इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन और उसके बाद कॉन्क्लूजन पढ़ा जाता है, और बीच में से कोई भी रैंडम सफ़ा निकाल के एग्जामिनर आपका बॉडी पैराग्राफ भी पढ़ सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जाती। और यूजुअली ये देखा जाता है कि जो चीज़ें आपने आउटलाइन में बताई हैं क्या वो सब की सब प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर पर समझाती हूँ आपको, आपने बताए हैं हाई एजुकेशन के इल्स, ठीक है, और आपने इल्स भी बताई हैं और रेमेडीज़ भी बताई हैं, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो है हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज़, ठीक है। तो आपने 6 ही इल्स बतानी हैं, 6 ही आपने रेमेडीज़ बतानी हैं, सही है। तो मिसाल के तौर पे आपकी जो पांचवी रेमेडी है, सही है, पांचवी जो रेमेडी है ना, तो वो आपके एग्जामिनर ने क्या करना है, वो डायरेक्ट आपके पेपर में जाना है, ठीक है। बाकी ना उसने पहली पढ़नी है, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी। मैं मिसाल दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं, मुझे नहीं पता, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उसने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेकिन जो हमें सिखाया गया है वाइल्ड कोचिंग क्लासेस, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को भी गाइड कर रही हूँ। एज इट इज़ जो अल्फाज मुझे मेरे टीचर्स ने कहे हैं, सेम मैं वही आपको भी डिलीवर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, तो बात यह है कि उसने क्या करना है, उसने आउटलाइन में से एक पॉइंट उठाना है, मिसाल के तौर पे पांचवी रेमेडी, और उसने चले जाना है आपके एसे में, वो पांचवी रेमेडी ढूंढनी है। अब क्या उसकी एग्जामिनर बेचारे की हालत होगी अगर उसको पांचवी रेमेडी मिले ही ना अंदर। मतलब ये कि ऐसा आपने इंप्रेशन झाड़ने के लिए आउटलाइन में तो लिख दिया है, लेकिन अंदर आपने वो सारे के सारे पॉइंट्स, आपको लिखने का टाइम ही नहीं मिला, सही है। तो ये ब्लंडर नहीं मारना, ऐसा नहीं करना आपने। आपने अगर आउटलाइन में जो चीज़ें लिखी हैं वो आपने लिखनी ही लिखनी है अंदर ऐसे में। इसके लिए प्रो टिप ये है कि आप ज़्यादा एफिशिएंसी ना झाड़ें, ठीक है। बस अगर फॉर एग्जांपल वही जो मैंने आपको मिसाल दी, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज़ आते हैं, तो 6 इल्स 6 रेमेडीज़, डेट्स इनाफ, ठीक है। थोड़ी सी आपने वो इंट्रोडक्शन दे दिया आपने सबसे पहले, उसके बाद आपने एक्सपोजिशन दी, उसके बाद 6 इल्स 6 रेमेडीज़, बस ठीक है ना। उसके और हाँ, उसके बाद ऑब्वियसली कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद आपको मज़ीद उसमें कोई तीसरी चौथी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा ना हो कि आपने 16 इल्स बता दिए हों और आपने 6 रेमेडीज़ बताई हों, नहीं, बैलेंस होना चाहिए और उतना ही लिखें आउटलाइन में जितना कि आप उस पर पूरा उतर सकें। अच्छा जी, बात होगी काफ़ी लंबी आपको समझाते समझाते, आगे चलते हैं। जब आपकी आउटलाइन परफेक्ट हो जाए, मैं तीसरे स्टेप की बात कर रही हूँ, आउटलाइन परफेक्ट हो जाए, आपका इंट्रोडक्शन परफेक्ट हो जाए, एज यू ऑल नो इंट्रोडक्शन के अपने अलग फीचर्स हैं, ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। मैं आपको ये सब इसलिए बार बार बताती हूँ कि इस पर भी वीडियो बनाइए, ताकि उससे रिलेटेड जो क्यूरीज हैं वो, जाहिर है अगर मैं एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में कवर करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन के फीचर्स जानने हैं तो आप उस वीडियो पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी, ठीक है। बल्कि आप सिंपली प्लेलिस्ट वो पूरी ही देख लें ऐसे सीरीज़ की जो है वो स्टेप बाय स्टेप, आई थिंक उसके 14 पार्ट्स हैं या 15 लेक्चर्स हैं, मैंने लास्ट ईयर वो बनाई थी, तो आप सारी की सारी देख लें। और ऑब्वियसली बेशक वो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, लेकिन वो आज भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ऐसे के रूल्स तो वही हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद जब आपकी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन परफेक्ट हो जाए, या चलें परफेक्ट के करीब हो,
उसके बाद आपने क्या करना है, शॉर्ट एसेज की तरफ आना है। अब शॉर्ट एसेज की जो लेंथ है वो 1000 वर्ड्स की हो सकती है, क्योंकि आपको पता है CSS में आपने 2500 से लेकर 3000 वर्ड्स तक लिखने होते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे 2000 तक भी लिख लें ना, तो आपको एग्जामिनर सुना यही है कि पिनलाइज नहीं करता, लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो आप 1000 वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लें शुरू में, तो जब आप ये चौथे लेवल पे आ जाएं, चौथे स्टेप पे आ जाएं, उसके बाद शॉर्ट एसेस में वो भी ज़ाहिर है चेक करवाने, हर स्टेप आपने चेक करवाना है, ठीक है। मुझसे करवा लें या फिर किसी भी मेंटोर से करवा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी खालिस्तन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पांचवा स्टेप ये है कि जब आपकी प्रोफिशिएंसी आ जाए, ठीक है, इन चीज़ों में जो कि चीज़ें हैं ग्रामर, कंसिस्टेंसी इन आइडियाज़, कोहेरेंस और कंटेंट, ठीक है, जब आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाए इन सब चीज़ों में। देखिए, वन बाय वन देख लेते हैं इनकी इम्पोर्टेंस को। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो गलती है ना वो अनपार्डनेबल है, वो तो फिर पिनलाइज करना ही करना है आपको एग्जामिनर ने। अगर आपने उसमें, अगर आपको ये भी नहीं पता कि हैज़ और हैव में क्या डिफरेंस है और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, अगर आपको यही नहीं पता तो फिर तो समझ लें कि बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कर आप फिर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली मेहनत रिक्वायर है। मेहनत तो खैर उनको भी करनी पड़ती है जिनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंट है, तो खैर। अच्छा जी, उसके बाद कंसिस्टेंसी इन आइडियाज़। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे उन्होंने इल्स पूछे हैं और रेमेडीज़ पूछे हैं, मैं एक ही मिसाल बार बार आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ आपका इल्स के बारे में, एक पैराग्राफ आपने रेमेडीज़ पे कर दिया, तो इस तरह से नहीं करना, चीज़ें जम्बल्ड अप नहीं करनी। पहले आपने इल्स की बात करनी है, उसकी जितनी भी आपने बताना है, उसके बाद आपने रेमेडीज़ की तरफ आना है, तरीके से चलना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आइडियाज़ में, ये नहीं होना चाहिए कि कभी आप कुछ बात करें तो कभी आप कुछ बात करें, उनमें कोई रब्त ही नहीं है। उसके बाद कोहेरेंस, डेफिनेटली आपकी जो कोहेरेंस है वो होनी चाहिए आपके पैराग्राफ्स में, इवन विद इन पैराग्राफ्स भी, ठीक है। देन कॉन्टेंट, कॉन्टेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आफ्टर ग्रामर, ठीक है। अब कॉन्टेंट में क्या आ जाता है, डेटा, जो डेटा आपने उसमें ऑब्वियसली एसे में लिखना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वही बात इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने की थी कि डेटा जब थोड़ा बहुत गैदर होना शुरू हो जाए तब आपने लिखना है, ठीक है, तब आपने एसे लिखना है। उससे पहले आप यही कोशिश करें, आप अपनी एनर्जीज इसी पे लगाएं कि डेटा ज़्यादा से ज़्यादा गैदर हो जाए। उसके बाद लेवल आता है फुल फ्लेज एसे प्रैक्टिस करने का, ठीक है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो आपका पहला लिखा हुआ एसे ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर परफेक्ट नहीं तो परफेक्ट के करीब ज़रूर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाएंगे ना तो बहुत फिर गलतियाँ होंगी। देखिए, वो फिर मेंटोर के लिए भी एक सर दर्द है कि भाई इतनी गलतियाँ, और आपके लिए भी डेफिनेटली आपका मोरल डाउन हो जाएगा एकदम से अपनी गलतियाँ देख के। और बास तो ऐसे होते हैं एस्पिरेंट्स जो अपनी गलतियाँ देख के बजाय खुश होने के कि हाँ भाई अच्छा मेंटोर मिल गया, बाज़ूकत ये भी कहते हैं कि भाई आपने हमें डीमोटिवेट कर दिया हमारी गलतियाँ निकाल के। बल्कि ये गलत अप्रोच है, गलतियाँ देखकर तो बंदे को खुश होना चाहिए कि वाह मुझे पता चला मेरी गलतियों का, अब मुझे मेरी गलतियाँ पता चली हैं तो मैं आइंदा रिपीट नहीं करूँगा या करूँगी, तो तभी बेहतरी की उम्मीद है ना ऑब्वियसली। तो वरना गलतियाँ ना निकालें तो वो गलतियाँ तो फिर आप सारी ज़िंदगी करते रहें, सही है ना। तो ये सारे स्टेप्स थे, और आपने चूंकि अब टाइम देखें कितना रह गया है, फेब में पेपर्स होते हैं, ठीक है, और जून ऑलरेडी जो है एंड की तरफ जा रहा है, सही है। तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारे स्टेप्स जो हैं उस पर महीना महीना लगाएं, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है। आप इन स्टेप्स पे 15-15 दिन लगाएं, ठीक है, और जल्द अज जल्द कोशिश करें कि फुल फ्लेज एसे की तरफ जितनी जल्दी हो सके आएं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट एसे तक के जो मराहिल हैं वो आप बस हद 2 महीने के अंदर अंदर पूरे कर लें, सही है। और बाय दी एंड ऑफ अगस्त आप क्या करें, आप स्टार्ट कर दें अपने फुल फ्लेज एसे को प्रैक्टिस करना, ठीक है। और वो भी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपका, आपकी जो कामयाबी है वो उतनी ही यकीनी बनेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबव ऑल। ओके, थैंक यू सो मच।